दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है स्कूटी और ये होंडा के ग्रेजिया स्कूटी है और हम इसका इंजन ऑयल और साथ में गियर ऑयल भी चेंज कर रहे हैं। तो इस स्कूटी में इंजन ऑयल कितना डालना है वो आपको बता दे रहे हैं, और इंजन ऑयल अगर डालना चाहें तो कौन से ग्रेड का हमें डालना चाहिए। देखिए, वैसे तो बता दें कि जितने भी टू व्हीलर्स आती है, मोटरसाइकिल हो या फिर स्कूटी हो, जितनी भी सीसी अलग अलग आती है, हर बाइक के लिए, हर स्कूटर के लिए अलग अलग ग्रेड का इंजन ऑयल होता है। तो हमारे यहाँ पे कासिम मोटो के पास जो इंजन ऑयल मिलता है, बाइक के अनुसार, स्कूटी के अनुसार इंजन ऑयल ग्रेड मिलता है यहाँ पर। ये देखिए, ये पर्सनल स्कूटी के लिए इंजन ऑयल है जो कि विडोल टाइड वाटर ऑयल कंपनी होता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विडोल टेकोप 44S 10W30 FBAI SN, और ये स्कूटर का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। ये 800 ml का इंजन ऑयल है, देख सकते हैं। तो इसमें आपको 800 ml का ही इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। मैं आपको कहूँगा, जब भी आप लोग अपने स्कूटर में, स्कूटी में इंजन ऑयल रिप्लेस करवाते हैं तो आपको 10W30 ग्रेड का ही डालना चाहिए। और अगर 750 लगता है 750 डलवाएँ, 700 लगता है 700 डलवाएँ, अगर 800 लगता है तो 800 डलवाएँ। यानी कि स्कूटी के लिए पर्सनल इंजन ऑयल अलग होता है, ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल का ही हम 4-stroke इंजन का ही, मोटरसाइकिल का ही हम इसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है। तो पर्सनल इंजन ऑयल ये स्कूटी का है, तो इसे ही हम इसमें डालने वाले हैं। इसके साथ ये देखिए, स्कूटर गियर ऑयल ये 80W90 ग्रेड का आता है, ये और ये 120 ml का होता है, ये यहाँ पे लगता है। इसका गियर अलग होता है गाइस। तो यहाँ पे हम डालेंगे 120 ml, ये लिखा हुआ है 120 ml यहाँ पे डालेंगे। और गियर और खोलने के लिए आपको ये दोनों बोल्ट खोल देना है, और उसके बाद इनमें से एक बोल्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें लगा देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गियर ऑयल डालते हैं। गियर ऑयल मैंने निकाल दिया, तो गियर ऑयल भी इसका ख़राब हो गया पूरा। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि गियर ऑयल में भी इंजन ऑयल ही डाल देते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है, आप चाहे तो घर पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा झुकाओ ना, ये छोटा सा सुराख इसमें कट करना है बस। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें डाल सकते हैं। कर हो जाना, होना चाहिए। बड़ा लर लाई महिला सारा बोल लियो, मैं अपना खाना ही नहीं है, बेचना नहीं आएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है। हम चाहे तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये गिर जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक टिप लेंगे। दुरास देखो, यहाँ तक आ गया। नौ बजे रात में कस्टमर का कॉल आया इसी स्कूटर वाले का, कहना हुआ कि हम बाइक चला रहे थे, चलाते चलाते अचानक बीच में किरकिरा के बंद हो गई। तो मैंने कहा, यार ऐसा करो, इंजन ऑयल चेक करो, ऐसा तो नहीं कि इंजन ऑयल मतलब ख़त्म हो गया है। उन्होंने आवाज़ भी मुझे सुनाया, तो मैं पक्का समझ गया कि ये इंजन की प्रॉब्लम है। तो इंजन ऑयल इसका ख़त्म हो गया था। इंजन ऑयल जब भी ख़त्म हो जाता है तो पिस्टन आवाज़ करने लगता है, करकराने लगता है, वो जाम करने लगता है। तो इनसे कहा कि इंजन ऑयल थोड़ा सा चेक करवा लो, बोला कि हाँ ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ। तो देखा कि इंजन ऑयल इसमें है ही नहीं। तो इंजन ऑयल नहीं होने की वजह से ही, इंजन ऑयल नहीं होने की वजह से ही ऐसा दिक्कत हो रहा था। और फिर जब थोड़ा बहुत पुराना इंजन ऑयल डाला 200-400 ml, तो फिर ये ठीक हो गई। तो आपको बता दें कि इंजन ऑयल अगर ख़त्म होता है तो आपकी बाइक का पिस्टन रिंग ख़राब हो गई है, उसका काम आप लोगों को कराना पड़ेगा, यानी कि हेड सेल का काम कराना पड़ेगा आप लोगों को। अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल ठीक ठाक है, आवाज़ भी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा बहुत पिस्टन की साउंड आ गई है।